अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने यूनिट नंबर 2 की रीडिंग, उसकी एक्सरसाइज प्लस उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने उसको कर लिया हुआ था। आज हमने नेक्स्ट 3 एंड लास्ट क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से पढ़ना भी है और उनको याद भी करना और लिखना भी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा था, आज हमने पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल जो है वो किस तरह बनता है, इसको कैसे वजाहत इसकी करनी है, चलें स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स यूज्ड ऑक्सीजन used oxygen for respiration। respiration मतलब है सांस लेने के लिए। humans and animals जानदार, तमाम जानदार जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स ह्यूमन जो है वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन इस पर सांस लेने के लिए। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन। बार बार वही बातें रिपीट हो रही हैं कि इंसान जो है, जानवर जो है वो सांस ऑक्सीजन के थ्रू लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, जबकि जो रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फूड होती है एनिमल्स की, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल। बैक्टीरिया इन द सोइल चेंज नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स। मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को चेंज करके नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं। प्लांट्स यूज नाइट्रेट्स, प्लांट जो है वो नाइट्रेट को यूज़ करते हैं द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की शक्ल में जो है वो यूज़ करते हैं। और जब जैसे कि हम फल और सब्जियां खाते हैं तो वो क्या है, असल में हम प्रोटीन्स खा रहे होते हैं। हमारी बॉडी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं। नाइट्रोजन आल्सो एडिड इन द एटमॉस्फेयर, फिज़ा के अंदर कुदरती तौर पर जो है वो नाइट्रोजन को ऐड किया हुआ अल्लाह ताला ने, ड्यू टू डिसेइंग ऑफ, एक तरीका इसका भी है, ड्यू टू डिसेइंग ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो इस तरह से भी जो है वो नाइट्रोजन जो है वो हासिल होता है और इससे प्लांट्स ग्रो करते हैं। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आइडेंटिफाई करना है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। फिजा के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनके हसूल के क्या क्या ज़रिए हैं, मतलब इनको कैसे जो है वो, एक तो इनके सोर्स बताने हैं, कहाँ से सोर्स मतलब होता है ज़राए, हम इनको कहाँ से लेते हैं और कहाँ पे इनको रिलीज़ करते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये कुदरती गैस है, ऑक्सीजन भी ये कुदरती गैस, कार्बन डाई भी ये कुदरती है। सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसे बनती है, डेड एंड डिसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स जो और एनिमल्स जो होते हैं इनके मर जाने से जो है, जब ये मर जाते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन एक तरह से हमें हासिल होती है। ऑक्सीजन कहाँ से हासिल होती है हमें, कहाँ से ये हासिल करने का सोर्स है, प्लांट्स, ऑक्सीजन हम प्लांट्स से हासिल करते हैं। द नेक्स्ट लास्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनिमल्स और ह्यूमंस, इंसानों और जानवरों से जो है
वो कार्बन डाइऑक्साइड वो खारिज करते हैं, ऑक्सीजन हम प्लांट से लेते हैं, नाइट्रोजन जो जानवर जो मर जाते हैं, पौधे जो गल सड़ जाते हैं उनसे हासिल होती है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा ये सेकंड चैप्टर। आज हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, उसको आपने अच्छे से याद भी करना है और उसको लिखना भी है।